नमस्कार दर्शकों, आवर हरिद्वार चैनल और परिपाटी न्यूज से मैं अजीत सिंह कालरा इस समय हरिद्वार के जुर्स कंट्री में डीपीएस रानीपुर की एक छात्रा रिधि गर्ग के घर में हूं। और रिधि गर्ग ने 98.6% क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए हैं। तो दर्शकों, मिलिए रिधि गर्ग से। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिधि। थैंक यू सर। तो अब मैं रिधि के माता पिता से आपका परिचय कराता हूँ। तो ये है रिधि के पिताजी श्री सुरेश गर्ग, जो कि बिजनेस फर्नीचर जैसे ऑफिस फर्नीचर या रेस्टोरेंट फर्नीचर की सप्लाई का व्यापार करते हैं और साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय भी है इनका। और ये है रिधि की माताजी श्रीमती रितु गर्ग, जो कि एक गृहिणी है। तो अब मैं रिधि गर्ग का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। रिधि, एक बार फिर आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तो रिधि, पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे पढ़ाई करती थी। जैसे स्कूल से आप आती थी तो कितना घंटे पढ़ती थी, कोई फिक्स आपका हिसाब किताब था कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करती थी? मैंने कभी भी ऐसे कोई फिक्स लिमिट नहीं रखी कि इतने घंटे पढ़ना ही है, बल्कि मैं अपना टारगेट फिक्स रखती थी कि इतनी चीज़, जैसे कोई चैप्टर है तो इतना मुझे आज कवर करना ही है, और फिर चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे तो वो हो जाता था। और आप कोई टाइम टेबल बनाती थी, जैसे कई बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं? वो टाइम टेबल पूरा वीक का ना बनाकर अगर बनाना हो तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं कि एक रात पहले अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लें, तो अपनी लिमिट के हिसाब से करना चाहिए। और कहीं क्या, हर बार क्या होता है, हम ऐसे टाइम टेबल बना लेते हैं जो कि हम फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, आपने ट्यूशन लगाई थी? जी हाँ, मैं ट्यूशन जाती थी। अच्छा। विक्ट्री क्लासेस जाती थी मैं। ये रानीपुर मोड पर है। अच्छा। और सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा। तो अब जैसे आपने क्लास 10 क्लियर कर लिया है, तो आगे 11 12th में कौन से सब्जेक्ट्स ले रही हैं आप? मैंने अब 11 12th के लिए PCM ली है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जी। अच्छा, तो आगे आपका क्या प्लान है? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आप आगे ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना चाहती हैं? मैं अभी तक तो यही सोचा है कि बीटेक करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप क्यों बनना चाहती हैं? जैसे इंजीनियरिंग में और भी कई ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, मेटलर्जिकल है, एरोनॉटिकल, बहुत ब्रांचेज हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का वैसे तो क्रेज़ पिछले 25-30 साल में काफ़ी बड़ा है, तो लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही क्यों जाना चाहती हैं? वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब आगे का जो दौर है वो टाइम सब AI और इन सब का ही आने वाला है, तो उसमें अगर हम सॉफ्टवेयर की क्षेत्र में थोड़ा और कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का टाइम है। जी। फिर उसके बाद आपका जैसे आगे पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया में रह के ही काम करना चाहेंगी, और अगर अब्रॉड जाने का मौका मिला तो जाएंगी? अब्रॉड अगर मुझे थोड़ा हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ा तो हाँ, मैं थोड़े टाइम के लिए ज़रूर जाना चाहूँगी कुछ और नया सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पर सेटल तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लेकिन अगर कंपनी भेजेगी कल को आपको, माना कंपनी भेजती है कुछ टाइम के लिए, तब आप जाएंगी? कुछ टाइम के लिए जी हाँ। अच्छा, और आपकी क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, और डांस करना, बैडमिंटन खेलना, और बुक्स रीड करना। अच्छा। जैसे पेंटिंग, आपको पेंटिंग का शौक़ है या डांस का, तो आपने पेंटर बनने का नहीं कभी सोचा? नहीं, पहले मुझे लगता था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये सिर्फ मेरी एक हॉबी है और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर और मेरे सब्जेक्ट्स की तरफ ही है। और डांस में? नहीं, वो मेरी एक सिर्फ हॉबी तक ही ठीक है। आगे आप बीटेक करना चाहती हैं? जी। कंप्यूटर साइंस में? जी। तो कहाँ से करना चाहेंगी, कोई इसमें खास प्रेफरेंस है या जहाँ भी एडमिशन मिल जाएगा? IIT से करना चाहूँगी मैं तो। अच्छा, IIT। गुड। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि रिद्धि की एक बड़ी बहन भी है, महक गर्ग, जो कि बीटेक है और इस समय नोएडा में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रही है। और आप अपने जूनियर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगी, जो जैसे अब जो बच्चे 10th में आए हैं वो अगले साल बोर्ड में अपीयर होंगे, तो कोई सजेशन आप उनको देना चाहेंगी?
उनके लिए बस मेरा यही सजेशन है कि नर्वस मत होना कि इस साल बोर्ड्स है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और बस अपना कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो सब इजी है, हो जाएगा सब। अच्छा, गुड। और आपका नाम रिद्धि है, रिद्धि का क्या क्या मतलब है आपको पता है? रिद्धि मतलब खुशहाली और समृद्धि। अच्छा, ठीक है। तो रिद्धि, आपने मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी सेटिस्फैक्ट्रीली दिया, और मैं आपको आपके आगे की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन और करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि अब जैसे आप 11th 12th पढ़ाई करेंगी तो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो फिर मैं आपका इंटरव्यू लेने आऊँगा। जी ज़रूर, मोस्ट वेलकम। जब आप IIT में एडमिशन मिलेगा फिर आऊँगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू।